Hey guys, welcome back to another episode of Minecraft. मैं हूं भाविक और आप देख रहे हो वीक गेमिंग। ये हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 12 12 है या 11 है, आई थिंक 12 है। तो इस वाले एपिसोड के पहले हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं था। इससे पहले हम लोग एक चीज हम लोग खोजने गए थे जिसको बोलते जंगल टेम्पल। अगर वो वाला एपिसोड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वाला एपिसोड आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा है, वहां तक हम लोग गए थे और जंगल टेम्पल से हम लोग काफी कुछ चीजें वगैरह भी हम लोगों को चुरा के लेके आ गए। तो वाला वीडियो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारे लिए एक अनलिमिटेड लेदर फार्म। अब मैंने यार अपनी जो चीजें वगैरह को इंचेंट करने के बारे में सोचा, लेकिन इंचेंट करने के लिए मुझे इंचेंटमेंट टेबल चाहिए होगा और इंचेंटमेंट टेबल के साथ साथ हम लोगों को काफी सारी बुक सेल्फ वगैरह भी चाहिए होगी। अब वो सब चीजें बनाने के लिए मुझे काफी सारा लेदर लगेगा, बुक्स बनाने के लिए लेदर लगेगा। तो वो लेदर यार हमारे पास उतने ज्यादा कुछ है नहीं, और काऊ को मारना मुझे उतना ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। अगर वो ऑटोमेटिकली मर जाती तो कुछ अलग बात है, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि ऑटोमेटिकली ही हम लोग उसको मतलब मर जाने देंगे। तो कुछ ऐसा सोचा है और मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा लेदर फार्म। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे यार आप लोगों ने पहले एक बार एपिसोड में हमने देखा था, हम आई थिंक इससे थर्ड नंबर का एपिसोड इस वाले एपिसोड से, तो वहाँ पे मैं काफी सारे विलेजर्स को लेने गया था और यहाँ पे मैं दो विलेजर्स को लेके आया था और उनके साथ ब्रीडिंग करवा के देख रहे हो काफी सारे विलेजर्स की यहाँ पे पूरी फौज खड़ी कर दी है, देख रहे हो। और यार पूरे दिन ही ऐसे ही घूमते वगैरह रहते, और आई एम गोलम वगैरह भी नजदीक में स्पॉन हो गए। और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर लिया, आप लोगों ने अगर मेरा ये वाला जो मैंने बनाया था वो देखा होगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ कर दिए जिससे कि मैं इन लोगों को देख सकूँ, और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे हमारा एक रास्ता था उस वाले रास्ते को मैंने यहाँ पे हटा दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया है एक इन लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता, जो कि ये लोग भी बाहर आ जा सके और घूम फिर सके। अभी मुझे इस खाली जगह में काफी सारा काम करना है, काफी सारा काम करने के बाद शायद ये कम्प्लीटली लगने लगेगा, लेकिन अभी इसमें काम बाकी। अभी यहाँ पे हम, ओए यार यहाँ पे कैट है, देख रहे हो गाइस यहाँ पे कैट है। इसको यार टैम कैसे करते हैं, इसको यार शायद मछली खिलाते हैं, लेकिन वो तो मेरे पास फिलहाल है नहीं। और मैं आप लोग एक और चीज दिखा था, चलिए यहाँ पे मैं एक डॉग को हमने टैम टैम करके रखा। इस वाले पीछे की साइड ये जो पहाड़ है ना, इस वाले पहाड़ पे एक डॉगी घूमते घूमते आ गए थे, इसको डॉग वुल्फ बोलते हैं, शायद डॉगी नहीं बोलते, वुल्फ बोलते हैं आई थिंक। ये रहा देखो ऐसे, देख रहे हो, तो इसको मैंने यहाँ पे टैम कर लिया और ये मेरे साथ ही घूमता फिरता रहता है, लेकिन मैंने इसको फिलहाल यहाँ पे बिठा के रखा है। अभी इसको मैं कहीं भी ले जाने के बारे में नहीं सोचता, अभी ये यहाँ पे बैठा रहेगा। तो फिलहाल आज की जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके जो भी जरूरी चीजें वो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते। तो सबसे पहले यार यहाँ पे क्या क्या चीजें है वो सब कुछ मुझे यहाँ पे ले लेना चाहिए। आई थिंक दो होपर चाहिए होंगे, एक दो चेस्ट चाहिए होगी, तो वो कुछ चीजें तो यहाँ पे मैंने बना के रखे। और डिस्पेंसर वगैरह जो चाहिए होगी वो चीज अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें मैंने वो वहाँ पे गए थे हम लोग, कहाँ पे गए थे, जंगल टेम्पल को ढूंढने, तो वहां से मैंने कुछ डिस्पेंसर लेके आया। और ये जो स्टोन ब्रिक है, क्या बोलते हैं इसको, टिजलेट करके कोई स्टोन ब्रिक है, वो लेके आ गया था। और यहाँ पे रेड स्टोन वगैरह सब कुछ मुझे मिल गया था, और गोल्ड वगैरह गोल्ड इंगट वगैरह सब कुछ हम लोग को वहां से मिला था। तो ये सभी चीजें मैं लेके आया हूँ फिलहाल। आज जो मुझे जरूरी चीजें वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ हॉपर वगैरह भी यहाँ से ले लेता हूँ, हॉपर डिस्पेंसर कुछ फ्रेंड्स गेट, तो वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लीड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लीड मेरे पास वहाँ पे नीचे भी है, लीड तो मैं वहां से भी ले लूंगा। तो वो ये कुछ चीजें अभी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, इसको दो या और भी कई सारी चीजें वो जो कि मैं वहां से वहां पे उस वाले घर पे मैंने रखा है, वहां से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। इस वाले घर पे मैंने काफी सारी चीजें रखी, ग्लास वगैरह भी जरूरत पड़ेगी, कुछ प्लैंक वगैरह भी चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग बनाने के आगे का काम जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओक लॉक को ले लेते हैं, ओक लॉक को ले लेते, और यहाँ पे ग्लासेस को कुछ ले लेते। यहाँ पे हमारे पास छह चेस्ट है, तो छह इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तीन चेस्ट लेते हैं। और क्या लूँ यार, और भी मुझे कुछ चाहिए होगा यहाँ पे, और एक मिनट चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। A few moments later. ओके, तो गाइस यहाँ पे मुझे जो जो जरूरी चीजें थी वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया, आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये जो कोबल स्टोन डिस्प्ले है वो शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने जो बड़ी वाली माइनिंग की थी जिसमें मैं डायमंड को खोजने गया था, तो वहाँ पे मुझे काफी सारे ये कोबल स्टोन डिस्प्ले क्या बोलते हैं डिस्प्ले ऐसा कुछ बोलते हो, तो ये वाला मैं लेके आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जंगल स्लेब लिए थोड़े कुछ, यहाँ पे ओक फेंस लिए, मतलब ओक फेंस जो फेंस हमारी होती है वो लिए, और प्लस ये तो वही है जो हमारे मतलब प्लैंक्स वगैरह सब कुछ होता है वही है, चेस्ट यहाँ पे, और ग्लासेस कुछ कुछ ले लिए। और ये ओक लॉक आई थिंक मुझे कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इसको ले लिया, शायद हम लोग को ओक लॉक वगैरह सब कुछ बनाने के लिए काम हो जाए।
हॉपर भी ले आए और यहाँ पे डिस्पेंसर और यहाँ पे एक बटन लिया। अब इतने ही चीज की हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को ज्यादा कुछ जरूरत अभी नहीं है उतनी सारी चीजें की, तो इस वाले को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जो जो जरूरी चीजें वो मैं यहाँ पे नजदीक में रख देता हूँ। और फिर इस वाली जगह पे हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हमारा लेदर फार्म बना रहा हूँ बहुत बड़ा। और यार काफी सारे कैट्स है यार यहाँ पे, गाइस देख रहे हो ये वाली एक अलग है, और यहाँ पे एक और देखी थी मैंने, आई थिंक वो है, देखो इधर कहीं पे होनी चाहिए यार। ये आयम गोलम इसको मार तो नहीं देता है ना, मुझे नहीं पता है, शायद मारे ना तो अच्छा है। ओके तो इधर वाली जगह पे कहीं पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इधर ही बनाते हैं ये वाला जो घर है इसके बिल्कुल ही पास में हम लोग इसको बनाते हैं, जिससे कि ये वाले जगह हम लोग खाली खाली ना लगे, इस वाली जगह को ही हम लोग यहाँ पे फिल कर देते। ओके तो यहाँ पे इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे हम लोग बनाना हमारा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी हम लोग जगह रखते हैं, इतनी सारी जगह हम लोग छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज आ जाएगी, या फिर चलो यहाँ से ही बना देते हैं यार, उतनी सारी जगह नहीं छोड़ते, वैसे भी हमारे पास चीजें वगैरह की कमी है। तो यहाँ से हम लोग हमारा काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे बनाते कैसे वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप से दो हॉपर्स को रख देता हूँ प्लस। ओके यार तो मैंने शायद एक गलती कर दी, हॉपर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे मुझे चेस्ट रखनी पड़ेगी। तो चेस्ट मेरे पास तीन है, रख दिया। अब इसके पीछे यहाँ पे हॉपर कनेक्ट करते हैं। कम्प्लीटली हो गया इतना काम। अब यहाँ पे मुझे ये वाले जो ब्लॉक्स है उसको लेने पड़ेंगे। आ गए यार, ओके ये रहे। तो वैसे मेरे भूख लगी जा रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना खा लेता हूँ। करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसके लिए ये कोबलस्टोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने रखा है, जिससे कि यार आने जाने में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। और यहाँ पे हम लोग अभी हमारा आगे का काम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैं ब्लॉक रख देता हूँ, तो हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला गलत रख दिया, और मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मेरा डिस्पेंसर लगा देता हूँ, तो डिस्पेंसर ये रहा, और डिस्पेंसर का मुंह इधर की साइड होना चाहिए, तो कुछ इस टाइप से लगाना है। ओके एक मिनट, डिस्पेंसर चलिए कंप्लीट हो गया। अब डिस्पेंसर के अंदर हम लोग को कुछ वाटर वाटर होता है वो रखना पड़ेगा, कुछ बाल्टी। तो आई थिंक बाल्टी तो क्या सारे में भर के रखा है, उसकी कोई दिक्कत आने वाली मुझे नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही ब्लॉक लगा देता हूँ, एक दो ऐसे उसके ऊपर चला जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे, अरे भाई वो गोलम हटना भाई, काम करने दे मुझे, हट क्या यार बीच में आ जाता है वो भाई, मुझे मेरा काम भी नहीं करने देते। और मैं यहाँ पे एक बटन लेके आया था, बटन को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो बटन भी लग गया, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब ना मुझे यहाँ पे एक और काम करना है, यहाँ पे मुझे ग्लासेस को लगा देना है, जिससे कि आगे मैं ग्लासेस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ग्लासेस यार देखने में काफी अच्छा लगता है, हम लोग अंदर की तरफ से काव वगैरह को भी देख पाएंगे अच्छी तरीके से। और इसको इतना रखते हैं, यह बटन के लिए जगह मैंने खाली रखी, चलो इसको तोड़ ही देते हैं। मुझे थोड़ा सा ये यार ग्लास की ये बात गलत लगती है, अगर हम लोग इसको तोड़ते वगैरह है तो हमारे पास कलेक्ट नहीं होते तो कुछ दिक्कत वगैरह हो जाती है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके अभी मुझे इसको दो हाइट और भी ऊपर ले जाना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर काउ को ले जाने के लिए यह जो जगह है उसको फिल करता हूँ। यहाँ पे पीछे की साइड में मुझे ब्लॉक ही लगा देना है, तो ब्लॉक ही लगा देता हूँ मैं। चलो तो अब लग रहा है कुछ अच्छा, यहाँ पे पीछे की साइड और भी हम लोग ब्लॉक रखा देते हैं। अपना गाइस यहाँ पे करते क्या, देखो एक मिनट, ये पीछे वाली जो जगह है उसको भी फिल कर देते, क्या देखने में अच्छा लगे, वरना क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का कुछ लगे। तो कुछ इस टाइप से अभी लुक आ रहा है इसका, यहाँ पे भी हम लोग एक प्लैंक लगा देते हैं। और यहाँ से हम लोग चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, हमने ऊपर ग्लास लगाए, कोई और ब्लॉक अगर हमने लगाया होता तो शायद नहीं वर्क करता, लेकिन चेस्ट को हम लोग लगा सकते हैं, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपना यहाँ पे आने जाने के लिए हम लोग एक रास्ता बना, जिससे कि यहाँ पे मैं काव वगैरह को ले जा सकूँ ऊपर की तरफ, पता है आप लोगों को। और ओके हटा देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे स्लैब का आ गया, ये रहे स्लैब, और चेस्ट की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं चेस्ट को लगा देता हूँ। देख रहे हो जैसे का आवाज आए तो जाएगी ना शायद। ओके यहाँ पे मुझे एक और ब्लॉक पीछे साइड लगाना पड़ेगा। चलो कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पे यार काउ को मैं अगर नीचे से लेके आऊँ तो वो आसानी से आ जा सके, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ये मैंने गलत लगा दिया। तो अभी ना एक काम कर, तो रात होने को आई है, रात हुई तो नहीं है, तो बाद में सो जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ काम गलत यहाँ पे होते जा रहे हैं धीरे धीरे से,
यहाँ पे यार नाइट हो गई, आप लोगों को शायद कुछ दिखाई नहीं देगा, इससे अच्छा बेटर है कि मैं यहाँ जाके सो जाऊँ। और मैंने यार जो ये जो शेडर यूज किया है ना गाइस, उस वाले शेडर में अगर रात हो जाती तो हम लोग को मतलब दिखना ही बंद हो जाता है उतना कुछ, मतलब वो है बहुत ही हैवी शेडर है ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे हम लोग स्लैब लगा देते हैं, यहाँ से काव आ जानी चाहिए, यहाँ से आ जा सकती है ना, ऐसा हमने बनाया है यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग पीछे की साइड ब्लॉक्स लगा देते हैं, ये तो गैस देख रहे हो कुछ इस टाइप से हमने बनाया। और यहाँ से इलाके में यहाँ पे दो काउ को इसके अंदर मतलब रख दूंगा, और उसके बाद आगे का मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे क्या क्या करना है। तो इतना ये काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे यार छः वाटर बकेट चाहिए होंगे, छः नहीं आप लोगों को सिर्फ दो ही चाहिए होगी, लेकिन यार छः वाटर बकेट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग को थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसमें वाटर रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं वाटर भर के रखा है यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे भी मेरे पास डिस्पेंसर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने वैसे यहाँ पे फिलहाल मैंने मेरे पास चार है, तो चार का ही यूज़ करता हूँ, चार वाटर बकेट तो मेरे लिए अभी फिलहाल काफ़ी है, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से ले आएंगे। यहाँ पे जो वाटर बकेट वगैरह मुझे चाहिए होंगे वो यहाँ पे रख देता हूँ, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे वाटर डाल देना है। तो तीन चार चार रखे फिलहाल, चार ही काफी। अब ना मुझे यहाँ पे देखना है वाटर बाहर नहीं निकलना चाहिए, देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मतलब वर्क कर रहा है देख रहे हो। ओके तो यही कुछ चाहता था मैं, वही वर्क करने लग जाए। अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे फैंस लगाने हैं, मेरे पास फैंस में काफ़ी सारे लेके आए थे। ओके ये फैंस ये रही, और एक दो A few moments later. नहीं किया था। ओके चलो गाइस कम्प्लीटली, अब ना यहाँ पे आगे का काम मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे काउ को लाना है, तो यहाँ पे एक और स्लेब लगा देता हूँ जिससे कि यहाँ पे काउ ऊपर आसानी से चढ़ सके। पर तो जाएगी ना गाइस यार, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी। अब मुझे दो लीड चाहिए होगी, तो लीड भी मैं लेके आता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो लीड को मैंने अंदर बना के रखा है, मतलब मेरे पास लीड है, ये जो लामा आए थे ना वैसे ही मेरे पास ये दो ही लामा को मैंने यहाँ पे बांध के रखा है, वरना इसके अलावा भी दो तीन यार यहाँ पे लावा आए। मैंने फर्स्ट एपिसोड में तो दो लावा को मैंने मार भी दिया था घर पर, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी लीड्स वगैरह बची है, या फिर तीन ली है, लेकिन तीन की मुझे ज़रूरत नहीं, एक को रख देता हूँ, दो ही मेरे पास लीड की अभी ज़रूरत है। ये दो लीड को मैं साथ में रखता हूँ, और दो काऊ मुझे चाहिए होंगे, वो दो काऊ को यार मुझे पकड़ के लाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास काफी एक बड़ा सा काऊ है, यहाँ पे मतलब काऊ फार्म फार्म तो नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पे इसको एनिमल बर्न बोलते हैं, तो एनिमल बर्न में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी काऊ से काफ़ी है, तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। और यार यहाँ पे मुझे फेंस गेट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ही लगाना स्टार्ट कर देता हूँ भाई, बंद हो जा। इन दोनों को मैं ले जाता हूँ अपने पास, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अभी, तो मेरे पास लीड आ गई, एक लीड ये रही और एक ये रही, ये भी आ ही जाएगी ना। ओके क्या हुआ यार, लीड एक मेरे पास आ जा रही है और दूसरी, चलो दोनों को ले लिया। तो नहीं यार मैंने यहाँ पे बांध दिया, ये मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। चल भाई आ जा, तो एक साथ में दो को नहीं ले जा सकता क्या? ओके तो एक साथ में दो को नहीं ले जा सकता, ये मेरे पास कुछ दिक्कत आ रही है। चल भाई चल तू आ जा, आ जा आ जा, कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी से ले जाएंगे। अरे हट जा, वो बाहर निकल जाएगी। ओके चल अब मैं ये एक को ले जाता हूँ, एक को धीरे धीरे से ले जाता हूँ, दूसरी को मैं बाद में लेके आता हूँ। तो भाई आ तो रही है ना तू मेरे साथ, चल 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 फटाफट चल, थोड़ी सी कितनी लंबी हो रही है रस्सी, रस्सी देख रहे हो। चल 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 आ जा आ जा आ जा, तेरा मेरे पास तेरे लिए काम है और तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, अभी मेरे लिए काम करोगी तू। आ जा आ जा आ जा, ऊपर आ जा ऊपर आ जा। तो मैं काऊ को तो लेके आ गया उसके ऊपर, चल भाई आ जा, ऊपर आ जानी चाहिए अभी। अच्छा अच्छा चलो आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ऊपर आ जा, इसके अंदर चली जा। ओके चल तो रख दिया, और यार ये निकल नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैं फिलहाल टेम्पररी यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा देता हूँ।
टेम्पररी मुझे यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा जिससे कि निकल के भाग ना जाए। अभी मुझे दूसरी को भी लाना पड़ेगा ऐसे ही करके। तो दूसरी यार मेरी एक लीड शायद इसमें गिर गई, मुझे पता है ना वहाँ तक ये रही मेरी। ओके अभी यहाँ पे मेरी लीड है, तो यार वो वाली काउ भाग नहीं जानी चाहिए यहाँ पे। चलो बाहर ही है, बाहर ही है, मैंने देख लिया। अब ये वाली काउ को भी अंदर ले जाता हूँ। अब मैं इन दोनों को ब्रीडिंग करवाऊंगा। अब ना माइनक्राफ्ट में एक नियम है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता, किसी भी जगह पे अगर अगर 25 से ज़्यादा अगर एनिमल जमा होते हैं तो उसके बाद वो लोग डिस्पॉन होने लगते हैं, मतलब मर जाने लगते हैं ऑटोमेटिक। अब समझो इस वाले फार्म में मैंने बनाया यहाँ पे एक दो यहाँ पे काव आके मैंने रख दिए। अब यहाँ पे होगा गाइस क्या है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर जैसे ही 25 काव होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मरने लगेगी और इसमें मुझे काफ़ी सारा लेदर मिलेगा। और ये काम स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब हार्ड है, उतना आसान नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को हो सकती है, लेकिन बाद में यार गाइस ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर 24 हो गई और मैंने अगर कि एक को यहाँ पे ब्रीडिंग करवाया तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी और काउ होने लग जाएगी, पता है। तो इसी वजह से 1 मिनट, अरे यार लीड कहाँ गई, ए लीड ये रही, आ जा अंदर। क्यों मुझे इसको काटना पड़ेगा, क्या यार क्या ही दिक्कत है। तो भी हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ, यहाँ से आ जा, तो मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। आ जा आ जा आ जा। ओके चलो कोई बात नहीं, अब अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। आओ निकल नहीं जानी चाहिए, लीड टूट गई क्या। ओके 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 चलो चलो लीड निकाल दी। अब ना यहाँ पे मैं फेंस लगा देता हूँ, अभी ये निकल के भागेगी नहीं, दिख रहे हो। तो कुछ इस टाइप से मैंने यही मेरा प्लानिंग था कि यहाँ से वो निकल के भागनी नहीं चाहिए। चलो ओके ये इतना काम कंप्लीट हो गया गाइस। अब ना यहाँ पे मुझे इनको ब्रीडिंग करवाना है बराबर से, जैसे कि यहाँ पे दो ही है फिलहाल। जैसे मैं ब्रीडिंग कराऊंगी यहाँ पे काफ़ी सारी काउस होती रहेगी। स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए पीसीबी के लिए। अगर आप लोग ये बनाते हो तो स्टार्टिंग में आप लोगों के थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसके बाद आप लोगों को कोई इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि यार स्टार्टिंग में हम लोगों को 25 यहाँ पे काउ करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोगों को लेदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रीडिंग करवाता हूँ, और उससे पहले यार यहाँ पे मैं जाके एक बार सो जाता हूँ। पर यार मेरी भूख भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़े जा रही है, मुझे मेलन ही है, मेलन से ही काम चलाना पड़ेगा। और मुझे फिर बाद में जाना पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल वगैरह को भी, मतलब मुझे मीट वगैरह चाहिए होगा। इसके बिना मुझे ज़्यादातर एनर्जी नहीं मिलती है, जितना मैं फूड खाता हूँ ना तो फूड से कम एनर्जी मिलती है, तो काफ़ी जल्दी ही बोर हो जाता हूँ यार। यहाँ पे फिलहाल मैं सो जाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैं यहाँ पे ब्रीडिंग करवाने उन लोगों को मैं कुछ यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह करवाता हूँ। उसके बाद मेरे पास ओके यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास वीट है लेकिन इतनी वीट काफ़ी कम है, हम लोगों को वीट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन वीट के लिए मैंने ऑलरेडी फार्म बना के रखा है, तो यहाँ पे 1 मिनट ये फार्म पे मैं चला जाता हूँ। ओके तो गाइस इस वाले फार्म से मैंने काफ़ी सारी वीट ले ली है, और वीट के साथ मुझे यार बेटरू क्या बोलते हैं इसको, हाँ बेटरू भी मिली है, जो कि यार यहाँ पे बेरी के जैसे कुछ होता है खाने के लिए काम आती है, वो भी मिली है। लेकिन वो भी मैंने इसमें सबसे पहले सीड किया था तभी ये जाके मिले। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास काफ़ी सारे सीड है मैं इनके पास ब्रीडिंग करवाता हूँ काफ़ी ज़्यादा ही। ये ब्रीडिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, लोगों को ब्रीडिंग यहाँ पे करवाता हूँ, तो ये लोग ब्रीडिंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे हमारी काव वगैरह यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर देखो और छोटा एक बच्चा भी आ गया, तो इन सबको मुझे सबसे पहले यहाँ पे ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके मुझे लीड मिलेगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इनको बराबर से गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग करवाता हूँ, 24 या 25 हो जाए, उसके बाद ही हम लोग को यहाँ पे लेदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन स्टार्टिंग में ही मुश्किल है, बाद में ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बाद ये मिलेगा। तो चलो गाइस मैं फटाफट से इसको ब्रीडिंग करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। 2,000 years later. तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ऊपर आया था क्योंकि मेरे पास जो वीट है उसकी कमी पड़ने लगी है। यहाँ से भी मैं वीट लिया, ऊपर से भी मैंने सारे वीट ले लिया है, और मतलब ये मैं दूसरी बार वीट लेने आ रहा हूँ। इतना सारा ब्रीडिंग करवाना करवाना मतलब मैं थक गया, और इतना सारा ब्रीडिंग इन लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे मतलब मुझे इतना तो पता चल गया कि हाँ यहाँ पे काउ सब बढ़ने लगी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेदर मिलना स्टार्ट हो गए है। वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मतलब काफ़ी थक गया हूँ, इतना काम करते करते यार सच बताऊँ तो मुझे थक लग गया था पूरा का पूरा। और यहाँ पे मैंने कितनी सारी काउ कर दी, यहाँ पे जाके आप लोग यार चौंकना चाहो तो अच्छी, देख रहे हो यहाँ पे मरे जा रही है, मरे जा रही है। और इसको मैं जितना ब्रीडिंग कराऊंगा उतना अच्छा है, देख रहे हो। यहाँ पे ये छोटी जगह इसलिए बनाई ताकि ये लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करके, यार ये बंदा यार यहाँ से
देख रहे हो यहाँ पे मुझे 6 लेदर मिल गए, देख रहे हो 6। और यहाँ पे एक रो बीफ करके है, तो ये हम लोगों को मिले ही जा रहा है। अब मैं यहाँ पे वीट लेके आ गया क्योंकि इनको ब्रीडिंग करवाने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए होगा। फटाफट से यहाँ पे ब्रीडिंग में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी फिलहाल चाहिए, आप लोगों ने देखा यहाँ पे मुझे ब्रीडिंग इनको करवाना ही पड़ता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा मैं ब्रीडिंग कराऊँगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे मुझे जो वो है मिलते जाएंगी यहाँ पे, देख रहे हो। और अभी हम लोग जाके आते देखते, देख रहे हो यार अभी हमारे पास 6 लेदर ही है, लेकिन यहाँ पे जो उसका जो मीट होता है वो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो ये ऑटोमेटिकली मिल रहा है, वो मर रहा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। वैसे काऊ वगैरह को मानना नहीं चाहिए हम लोग को रियल लाइफ यार। मुझे सबसे पहले ऐसे लगता था कि माइनक्राफ्ट में हम लोग नॉनवेज ही स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यार मुझे अब पता चला कि माइनक्राफ्ट अगर हम लोग खेल रहे तो हम लोग को ये कुछ जरूरी चीज़ें वो हम लोग ऐसे ही मार एनिमल को मार के ही मिलता है, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, मजबूर है हम लोग, तो हम लोग कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हो वीट मेरे पास ऐसे ही गैस पूरी होती जा रही थी, अभी मुझे वीट का कुछ करना पड़ेगा। देख रहे हो पहले 6 थे अब 7 हुए, और ये 25 हो गए, देख रहे हो 26 हो गए, तो ये कुछ बड़े ही जा रहे हैं, बड़े ही जाते हैं कुछ यहाँ पे होते थे। अब ये हमारा अनलिमिटेड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यही था गाइस आज का ये वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो गाइस पसंद आया होगा। इसमें देख रहे हो अभी 10 लेदर हो गए, अभी यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से मुझे यहाँ पे अनलिमिटेड लेदर मिलते जाएंगे। तो यही था आज का ये वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वाला मेरा अनलिमिटेड लेदर फॉर्म अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो गाइस लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते गाइस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वाला वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया जिसमें मैं गया था जंगल टेम्पल को ढूंढने वाला वीडियो जरूर से देखना। मिलते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।